हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से इस देश की हर एक बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ, इवन इस दुनिया की हर एक बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जीत हुई है, आज हमारी जीत हुई है। अगर आप लोग ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज निर्भया के जो दरिंदे थे, जो गुनहगार थे, उन्हें सज़ा मिली है, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा 22 जनवरी का, जिस दिन उन्हें सज़ा दी जाएगी। पर ना कहीं एक अफसोस रह गया मन में कि वो जो एक नाबालिग दरिंदा था, उसमें उनके गैंग में उसे मात्र 3 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो नाबालिग था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो तो नाबालिग सिर्फ एज से था ना, उसकी मानसिकता तो नाबालिग नहीं थी, क्यों छोड़ा गया उसे? अगर उसकी मानसिकता नाबालिग होती तो वो इस तरह की हरकत, इस तरह की दरिंदगी कभी नहीं करता। पर खैर, इस सिस्टम के ऊपर तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगी। जो भी हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिल गई। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हिसाब से तो ना, जो प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के केस में जो हुआ कि उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया, वही सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो वो सालों साल घिसता रहता है। निर्भया को न्याय मिलते आज 7 साल हो चुके हैं, 7 साल बाद उसे न्याय मिला है। पर इतना लंबा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर यही चीज़ थोड़ा और जल्दी हो जाए। पर ये भी बहुत जल्दी है, मतलब अगर और भी कोई, इतने सारे केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग है, उस हिसाब से तो ठीक ही है। लेकिन अगर इन केसेस को कोर्ट तक ना ले जाया जाए और ऐसे दरिंदों को एट अ टाइम उनका एनकाउंटर कर दिया जाए ना, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, जो चीज़ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जी के केस में हुई, वही चीज़ हर एक, मतलब हर एक दरिंदों का एनकाउंटर करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों जिन्हें दिया जाए उन्हें, मतलब इस तरह के दरिंदे हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता एक्चुअली, समझ नहीं आता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और उनकी वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। आपको बताएं, मैं भी एक ऐसे परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे हमें भी रोका जाता था। जब हम कॉलेज जाते थे, जब हम कोचिंग भी जाते थे, तो हमारे पापा हमें कोचिंग छोड़ने जाते थे, कोचिंग से लेने जाते थे, भाई अक्सर साथ हुआ करते थे, मेरे चाचा वो अक्सर मेरे साथ हुआ करते थे। लेकिन हर इस देश की हर बेटी के पास ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई हो, चाचा हो। मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए करते थे, वो उनका प्यार था, वो उनकी परवाह थी। पर सच बात बताएं, ये परवाह की जगह कहीं ना कहीं उनका डर था कि कहीं कुछ मेरी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। वो मेरी फिक्र करते थे, मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ने जाते, मुझे कोचिंग छोड़ने जाते, स्कूल से लेने आया करते थे हमारे पापा। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं वो डरते थे कि कहीं मेरी लाडली के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी परी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये जो डर है वो क्यों, ये डर है उन दरिंदों की वजह से, ये डर है उन जैसे दरिंदों की वजह से जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। एज डॉटर, एज सिस्टर, एज मदर, टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि इन दरिंदों को सजा मिली। और एज अ मदर, मैं एक ऐसी सोसाइटी चाहती हूँ जहाँ पे ऐसे दरिंदे आसपास भी ना हो, उन्हें खत्म कर दिया जाए। पर पहचाने कैसे कि कौन सही है, कौन गलत है? मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं भी उनके लिए चाहती हूँ कि ऐसा एक समाज मिले, जब वो घर से निकले तो मुझे सिर्फ उनकी फिक्र हो, उनके लिए मेरे दिल में डर नहीं होगा कि हाय मेरी बेटी घर नहीं आई, क्या हो रहा है, कैसी हैं, कहाँ हैं, अब तक घर क्यों नहीं आई। ये डर नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के, बेटी के माता पिता के दिल में ये जो डर होता है ना, ये उन्हें जीने नहीं देता। पर ये बात इन दरिंदों को समझ नहीं आती और कोई रास्ता भी नहीं लोगों को समझाने का, क्योंकि इनकी जो मेंटालिटी, इनकी जो मानसिकता है, वही गिरी हुई है।
अभी 2 दिन पहले ही हमारे भेल क्षेत्र में इस तरह का एक केस हो गया। मतलब ये लोग जानते हैं कि इस तरह का जो गुनाह है ये गुनाह छुपने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी वो वैसा ही करते हैं। प्लीज आप, अगर आप जैसा कोई, आप जैसी मानसिकता को कोई दरिंद, ये जो घिनौनी मानसिकता का कोई मेरे मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीने दो। हम अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे हैं, राइट? आपसे कुछ नहीं लिया हमें, हमने। और अगर आप लोग नहीं सुधरते तो आप लोगों का अंजाम भी वही होगा जो इन 4 दरिंदों के साथ होने वाला है 22 जनवरी को। मुझे बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का। आई एम वेरी हैप्पी कि ये केस निर्भया को न्याय मिला, और हर एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द। मुझे अपनी वीडियो में बस ये इतना ही कहना था, और तो कुछ कहने लायक है नहीं। क्या कहें ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, समझ नहीं आता। पर बी अलर्ट, गुनाह करके कोई बचता नहीं है, कोई बच नहीं जाएगा। एक दिन छुपेगा, 2 दिन छुपेगा, लेकिन आपका भी टाइम आएगा अगर आपने गुनाह किया है तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।